कहाँ जा रहे हैं हम? इंडोनेशिया, बाली। लगता सिर्फ हम दो जा रहे हैं बाली। ऐसा लग रहा है। पाकिस्तानी रुपये 1 रुपया 56 रुपए का। तो वहाँ जाके शॉपिंग डन। अरीब ने पूरा जहाज मेरे लिए बुक करा दिया। ये हमें क्या दे दिया इन्होंने? मैडम उठ जाए, कितना सोना है तुम्हें? बहुत तेज बुखार हुआ है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, फट रहा दर्द से। प्लीज किसी डॉक्टर पे ले जाओ। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया मुझे? हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं। अभी सामान की पैकिंग चेकिंग हम लोगों ने रात में ही कर ली थी। अपना हिस्से का सामान मैंने पकड़ लिया है, बाकी का सामान सारा रीब लेके रिसेप्शन पे पहुंच चुके हैं। हम लोग अब कहाँ जाने वाले हैं कि मैं जरा आपको गाड़ी में बैठ के बताती हूँ। फिर आप लोगों ने तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सामान देखो, सामान तो मैं हर बार ही देखती हूँ। मैं वही तो कहती हूँ, होटल वाले हमें यूं देख रहे होते हैं कि यार ये लोग तो मुझे लगता है पूरे 5 साल के लिए रहने आए हैं। यस बाजी, थोड़ी हेल्प करनी होती है। ये बाजी बिल्कुल हेल्प नहीं करा रही थी क्योंकि हम लोग कमरे से भी अपना सामान खुद लेकर आए। चले जी, अब ये सारा सामान हमारा शिफ्ट होने लगा गाड़ी में। और गाड़ी हमारी एज यूजुअल वही प्यारी खूबसूरत जो हमारी मर्सिडीज। वो मर्सिडीज आई है जा रही हमारी। हाँ ना करें, वो देखें, उनको मैंने पहचान लिया जो हमें लेने आते हैं। अच्छा वाह, क्या फर्क पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम लोग जा रहे हैं इंडोनेशिया, बाली। और सुना है वो जगह बहुत अच्छी है और बहुत मजा आने वाला है। हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि कैसा एक्सपीरियंस जाने वाला है। लेकिन फिलहाल तो हम उनके एयरपोर्ट जाके आज देखते हैं। हम तो हर किसी के एयरपोर्ट को जाके देखते हैं कि एयरपोर्ट कैसा होता है भाई। हाँ। कैसा मर्जी हो, सिंगापुर से अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि सिंगापुर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक। हाँ। सिंगापुर मुझे नंबर 1 पे अच्छा लगा, दूसरे नंबर पे मुझे ओमान मस्कत वाला अच्छा लगा, तीसरे नंबर पे मुझे दुबई वाला अच्छा लगा। अभी देखते हैं कि हमारी नंबरिंग वाइज क्या शिफ्टिंग आती है। आज हमारा इस गाड़ी में आखिरी दिन है यार, इसके बाद पता नहीं वहाँ पे कैसी गाड़ियाँ मिलती है। इस मुल्क में वो तो मैंने बता दिया, आखिरी दिन बिल्कुल छोटा सा मुल्क, लाहौर जितना मुल्क है। लाहौर जितना है। अभी यहाँ से हम सीधा पहुँचने लगे भाई एयरपोर्ट, लेट्स गो। चले जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई एयरपोर्ट। आधे जहाज उड़ रहे हैं। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं टर्मिनल 3 पे क्योंकि हमारी फ्लाइट यहाँ पे थी। मैं तो शुक्र ये कर रही हूँ कि हम लोगों ने आधे में आप लोगों को एयरपोर्ट दिखा दिया था। हमारी फ्लाइट वापसी की आई टर्मिनल 3 से, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। आज तो भाई टर्मिनल 3 भी बड़ा प्यारा लग रहा है। रात के टाइम उस दिन जब हम आए थे तो ग्रीनरी इतनी अच्छी दिख नहीं रही थी, लेकिन आज तो भाई माहौल ही बदला हुआ है। वो चेक करें जरा, इट्स एक्चुअली नाइस। टर्मिनल जो भी हो, सिंगापुर का एयरपोर्ट है। अब हम चलते हैं अपनी बोर्डिंग कराने। बोर्डिंग पास मिलता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर बैठ के कुछ खाते पीते हैं एयरपोर्ट से या फिर कुछ शॉपिंग करते हैं यहाँ से। हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग शॉर्डिंग करा ली है और अब यहाँ पे हम लोग जरा शॉपिंग। यार ये भी पूरा टर्मिनल 3 भी पूरा शॉपिंग मॉल है यार। करीब की फेवरेट शॉप पे आ चुके हैं हम लोग इस वक्त। ठीक है, इस बंदे को एयरपोर्ट चाहिए, चीजें चाहिए और यही मैंने कोई चीज ऑर्डर करनी हो ना या मैंने सोचना हो क्या रीब यहाँ मेकअप है या ठीक है, तो रीब कहेगा कि इकरा वापस आ जाओ, क्या करना है जाके। यहाँ सस्ते हैं क्या? बना एयरपोर्ट नहीं मिले, खत्म हो गए। सुबह के कोई 10 लोग आके लेके चले गए। या अल्लाह, जो चीज हमने खरीदनी होती है वो खत्म हो जाती है या मिलती नहीं है, ना पैद हो जाती है। यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन अरीब यहाँ आपको रेप्लिकास मिलेंगे। रेप्लिकास देखते तो है। अरीब इधर क्या कर रहे हो आप यार? ये क्या है, इसका क्या फायदा है? गंजी है ये तो, बंदा टिंड करा ले ऐसा लगेगा। ये क्या है, इसको पैसों में खरीदेगा? ग्लासेस की बात करें, ग्लासेस होती हैं। अच्छा, तो ये गंजे को क्यों पहनाई हुई है? गंजे के आंख में ऐनक। चलें जी गाइस, हम लोग जो है वो थक हार के अब पहुंच चुके हैं अपनी उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने करना है नाश्ता। यहाँ पे हम सिंगापुर में भी पूरा वहीं से खाना खाते रहे हैं। हमारे पास डॉलर्स बचे थे, हमने कहा कि इसी एयरपोर्ट पे स्पेंड करके जाते हैं। सिंगापुर डॉलर बचना नहीं चाहिए। और बच गए, ले लें कुछ। कितने बचे हैं? 2, 4, 6। हाँ, ये मुझे फ्लाइट के टाइम ना कहीं मेरे पास डॉलर बचे क्योंकि पता नहीं दोबारा कब आना, क्या नहीं, ये हम लगा के यहाँ पे जाएंगे। सही है, हमारा नाश्ता आ चुका है। आई ऑर्डर्ड दिस, अब खा के बताऊंगी कि ये क्या मैंने ऑर्डर किया और अरीब ने सही ऑर्डर किया। यार अरीब, आपका
नाश्ता ज्यादा यम्मी लग रहा है। नाश्ता नहीं होता वैसे ये, लेके चलो। A few moments later. Finally, हम लोग पहुंच गए अभी प्लेन में। सारा कुछ हमारा काम शाम डन हो गया था। चेक करो भाई इधर कितना सुकून है। लगता सिर्फ हम दो जा रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखो कोई भी नहीं है। इंडोनेशिया लगता है हम अकेले ही जा रहे हैं। इंडोनेशिया जाने वाले लोग कम होंगे। भाई कहते हैं जगह बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा, है तुम्हें पता? हाँ? पहली जगह है इंडोनेशिया जहाँ पे पाकिस्तानी रुपये 1 रुपया 56 रुपये का। ना करो मतलब सस्ता है। पूरा जहाज मेरे लिए बुक करा दिया। चेक करो पूरा जहाज ही खाली है। कहा था ना बाली कोई जा रहा है ना कुछ। ठीक है मैं कहती हूँ पूरे वो ऊपर सामान का सेंटर भी खाली है जहाँ मर्जी रखवा ले। अरे आप मैं आगे आगे पीछे बैठ जाते हैं कितनी जगह है। अरीब ने तो आज मुझे सही सरप्राइज दिया। पूरी पूरा प्लेन बुक करा लिया मेरे लिए। पूरा प्लेन कैन यू इमेजिन खाली वेला। फाइनली हम लोग लैंड हो चुके हैं यहाँ पे बाली में। तो ये हम पहुँच गए हैं भाई एयरपोर्ट। यार एयरपोर्ट ऐसे लग रहा है जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग्स में आते हैं ना वहाँ पे उनकी पुरानी हिस्ट्री दीवारों में होती है। सुना वाले एयरपोर्ट पे आ गए हैं बट बहुत अच्छा है साफ सुथरा है और यहाँ पे काफी स्कल्पचर्स मूर्तियाँ इस तरह की चीजें एयरपोर्ट पे पड़ी हुई है। आई डोंट नो बट आई थिंक उनका कल्चर होगा। जैसे कि ये देखो ये देखिए ये सारी इस तरह से रखी हुई है उन लोगों ने। चलें जी हमारी इमिग्रेशन हो चुकी थी और अब हम लोग जो हैं वो यहाँ पे अपने सामान का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सामान इतना स्लो आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अरे बाली में तो बहुत ही बाली है। डिन 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 क्योंकि 3 फ्लाइटों का सामान आ रहा है इस वजह से बहुत। हाँ अपनी चेक कर रहे हैं यहाँ कब से खड़े हुए। ये इनका सामान मटेरियल यहाँ से डायरेक्ट आता है बेचारा घूम घुमा के इधर आएगा यहाँ से अपना सामान पकड़ा। बाली तो मुझे बहुत लो लो लग रहा है। हाँ मतलब बहुत डिम लाइट है। लाइटिंग बड़ी डिम है शायद इसीलिए लो लो लग रहा है। जाके देखेंगे। अभी तक हमें सबसे अच्छा थाईलैंड लगा। थाईलैंड बहुत मजा आया। सिंगापुर बस ओके था लेकिन थाईलैंड में जेन्युइनली हमें शॉपिंग का खाने का घूमने फिरने का आइलैंड सब बहुत मजा आया। और मैंने सुना है कि बाली है ना वो भी थाईलैंड जैसा ही है। फिर मजा आएगा आगे देखेंगे कैसा जाता है ये। चलें जी हमने फाइनली सामान। Who are you? Why are you following me? I am your wife. बाली में क्या चलता है? रुपीज ही चलते हैं तो पाकिस्तान रुपया। फाइनली हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। नाउ वेटिंग फॉर आवर ड्राइवर। यस मिस इकरा कवल एंड मोहम्मद सरारी। ये हमें क्या दे दिया इन्होंने? आता है ये भाई दोबारा शादी करा रहे हैं। वाह इट्स वेलकम। भाई आते साथ हमारा वेलकम तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये आई थिंक उनका कल्चर है कि वो बहुत प्यारी है इन फूलों की खुशबू और वो सही परोई हुई लड़ियों से जो फूल है। परोई हुई लड़ियों से जो फूल है। सो वेलकम टू बाली एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस कंट्री। अभी हम जा रहे हैं उबूद। उबूद क्या है जगह का नाम? उनके शहर का नाम है गेस उबूद ताबूत। यहाँ पे ये गाड़ी हमें लेने आई है भाई और हम जाने लगे हैं उबूद। हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल। हमारा सामान जा रहा है वापस अपने मतलब जहाँ हम लोगों का स्टे है। रिजॉर्ट बड़ा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि ये दिन के टाइम और ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हमारा इस्तकबाल हुआ है बहुत ही मजे की ड्रिंक के साथ। अब लेट्स सी कि ये ड्रिंक क्या पुदीना पानी है। ये क्या है? मुझे सर दर्द नहीं हो रहा। यहाँ से जाओगी नहीं? नहीं जाऊंगी मैं। चेक करने लगी ये इसके अंदर गया। हाँ ये तो कैल्शियम की गोली निकल आई है। 4 घंटे 4 बजे ये चोंच लेकर हम लोगों ने घर में रख लिया ना तो हमने सारा दिन बस इसका खेलते रहना। हमारे से और कुछ नहीं होना। चलिए जी गाइस हम अपने रूम में आ चुके हैं और हम लोगों ने अब खाना शाना खाना है। बहुत सारा खाना मैंने मंगवा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे जी ये सूप है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखे बैठी कैसे हुई है मैडम। ये देखे ये जी उसने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है और खाना देखे क्या क्या मंगाया हुआ है। इसका मैं गारंटी देता हूँ तुमने पूरा नहीं खाना इस बचा होना है। खा लूंगी मुझे बहुत भूख लगी हुई है। खाना शाना खाते हैं सुबह आप लोगों से मिलते हैं। सुबह आपको बाली इंडोनेशिया घुमाऊंगी। The next day. Good morning everyone. So, मैं उठ चुकी हूँ फ्रेश हो चुकी हूँ तैयार हो चुकी हूँ। ये हमारे रूम का व्यू है बाहर से। हुए, सारी तरफ बस ग्रीनरी 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 है। अभी मैं चलती हूँ रेस्टोरेंट क्योंकि मुझे करना है नाश्ता। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और जाकर ईव को पकड़ते हैं। भाई मेरे बगैर कैसे चलेगा वो नाश्ता करने? मुझे छोड़ के यहाँ कमरे में है इसको तो मैं जाके पूछती हूँ ना बैठा हुआ है अकेला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इंतजार भी नहीं किया।
और नाश्ते की टेबल लगा के देखो, ये देखो सारा नाश्ता मंगवा के बैठे हुए हैं। मंगवा के बैठा हूँ कि आओगे नाश्ता करो, साथ नाश्ता करें। कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, नाश्ता कर मेरे बगैर नाश्ता नहीं कर सकता। जूस भी मंगवाया। या अल्लाह व्यू बहुत प्यारा है, मैंने कमरे से बाहर दिखाया, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो जी क्या प्यारा व्यू है, ठीक है। और ये हमारा नाश्ता आ चुका है। आपने मेरे लिए क्या मंगवाया? पराठा, आलू गोभी, मम्मी नाश्ता पराठा, मम्मी नाश्ता पराठा। बट वो मम्मी नाश्ता वाला नहीं हो सकता, लेकिन जो भी है खैर खाएंगे। ये नाश्ता माशाल्लाह काफी मोटा है। मैंने पीटर से अंडा मंगवाया था कि जरा वो होगा स्क्रैम्बल्ड एग, ये उन्होंने फुल इंग्लिश एग दे दी। अभी मैं आपको इस पराठे की मोटाई दिखाती हूँ, जरा चेक करें। मतलब ये आटे को 500 तहों में पैक कर दो। ये फिल्ड है, फिल्ड पराठा है, फिल्ड पटाखा है, टाका। अरे ये फिल्ड नहीं है, ये सिर्फ आटा है, इट्स नॉट फिल्ड। खैर नाश्ता करते हैं। जो भी है मम्मी के हाथ के पराठे की अपनी बात है, पतला होता है, नरम होता है, देसी घी में लदा हुआ होता है और फटा हुआ होता है। अभी हम करते हैं नाश्ता। A few moments later. चलें जी गाइस, मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, अब जो है वो मैं लगी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, सोने। आप रेस्ट करने नहीं, चलाओ चलें। कहाँ? शॉपिंग करने। यार अरीब मेरी ना तबीयत नहीं सही है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे नींद आ रही बहुत ज्यादा। मैं भी नहीं जाता। नहीं आप कर रहा हूँ ना यार, कल के लिए कोई कपड़े नहीं है। क्या लेके आऊंगा? कुछ भी आप अपनी पसंद। क्या लाऊं, मुझे क्या पता क्या पहनना तुमने। ये आज आपका टास्क है हस्बैंड वाइफ के लिए शॉपिंग करने का। सीरियसली मेरा घर, मैं आपको पता मैं शॉपिंग की कितनी शौकीन हूँ, बाजार दूर होता है और मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ, लेकिन आज मैं ना बहुत डाउन फील कर रही हूँ। डन ना, ठीक है फिर आता हूँ, फिर कहीं कहीं चलते हैं, ठीक है? चलो डन, कुछ चीजें लेके आना, गन बुलाना, कुछ लेकर आना, और मैं आज आपकी चॉइस चेक करूंगी। इतनी बातें करनी तो साथ ही आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं चॉइस चेक करूंगी कि आप किस तरह का चीजें लेकर आते हो। 2 आवर्स लेटर। सो गाइस मैं शॉपिंग करके आ गया था और मैं वापस आया तो मैडम सो रही है अभी तक। मैडम को उठाते हैं। मैडम उठ जाए, कितना सोना है, तुम्हें बहुत तेज बुखार हुआ हुआ है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, फट रहा है दर्द से, प्लीज किसी डॉक्टर पे ले जाओ। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया मुझे? आप गए भी तो मैं क्या कहती। एक मिनट रुको, तो बस रोना नहीं, ओके स्ट्रॉन्ग एक रहा। ऊपर से देखो उन्होंने ड्रिप भी तुम्हारे मैचिंग कपड़ों की लगाई है। देखो तो सही, मेरे हाथ लगने की देर थी, सही हो जाएगी। हॉस्पिटल लेके आई हूँ दवाई, सेट हो गई। मुझे बताती मैं दो तीन जोक मारता तुम सेट हो जाती है। जोक ना मारे मुझे प्लीज, मुझे यहाँ से जल्दी, कितना टाइम लगेगा? तुम ये नहीं देख रही कि कितनी परफेक्ट मैचिंग करवाई तुम्हारी लड़कियों वाली पिंक ड्रिप। बस ये ड्रिप खत्म होती है तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं, ठीक है? अब ठीक हो? अब बेहतर फील कर रही हूं। थोड़ा सा मसला था, इतना नहीं था। हम पाकिस्तान में बुखार चढ़ता कुछ होता है एक पैनाडोल दे देते हैं, यहाँ पे 6-4 इंजेक्शन एक ड्रिप में डाल के 2 गोलियां अलग से 7 महीने। मेहरबानी करें, मैं अब इम्यून बच्चा हूँ। अब नजर आ रहा है तुम सही होगी, जिस तरह बोला तुम शुरू हुआ ना, नजर आ रहा है तुम सही होगी। पहले आवाज नहीं निकल रही थी जब तक हॉस्पिटल पहुंचे, काम कर गई ये पिंक दवाई। खत्म हो गई तुम्हारी मैचिंग ड्रिप, चले चले आप पक्का? बस ये निकलवा लें फिर निकलते हैं। अगर नहीं ठीक तो रुक जाते हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं रुकना, नहीं मैं नहीं रुकना, मुझे बीमार हो जाऊँ। हाँ जी फिर छुट्टी मिल गई है, डॉक्टर्स ने इतनी दवाइयाँ दे दी हैं, हमने तो खानी है दवाइयाँ, सही नहीं होना। चलो क्या था उसने रिपोर्ट्स नहीं बताई, क्या क्या उसने ये कहा कि जी आपने बहुत ज्यादा ट्रैवल करते करते एग्जॉस्ट हो गए, खाने मौसम चेंज चीजें चेंज, तो एक दिन का बेड रेस्ट खाया उसने, लाजमी पूरा दिन रेस्ट करो कल, क्योंकि वाकई में बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। लेट्स गो, ड्राइवर हमारे आ गए हैं। क्या शी इज ओके नाउ? थैंक यू। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, हॉस्पिटल से हम फ्री हो गए थे एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मेरी तबीयत बस, आपको पता है ज़्यादा सफ़र कर लो तो फिर आप सफरिंग ही हो जाते हो, तो बस मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहूं, लेकिन मैं भी एक अदद इंसान हूं। कितनी जगह पे हम घूम चुके हैं, फिर रोज़ आना जाना, फिर इतने ट्रिप्स, इतनी एक्टिविटीज़ करना, तो इंसान थक जाता है, तो बस मेरे साथ भी कुछ ही हुआ है। तो अब मैं खैर पहुंच चुकी हूं। एंड एक बात और, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगी, खैर अपना सरप्राइज़ बन गया यहां आके इंटरनेशनल
मलेशिया पहुंचते साथ तो मेरा वो सरप्राइज अधूरा रह गया यार। सरप्राइज फिर कभी सही सिंगापुर से हमें बस निकलना पड़ गया जल्दी। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं चाहती हूँ कि एनर्जेटिक व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा, मेरी हेल्थ के लिए दुआ कीजिएगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ, फिर आप लोगों की प्रो मैक्स व्लॉगर बन के आऊंगी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊंगी। खैर अभी डॉक्टर ने कहा है कि आप एक दिन कम से कम रेस्ट करें ताकि आपका जो वो जो बैलेंस है आपका जो आउट हुआ है वो हो जाए। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आऊंगी तो बिंदास किस्म के व्लॉग्स के साथ आऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे जो है वो दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।